सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके दोस्त और को एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनके निधन की खबर दी। और आपको बता दें कि दिल्ली NCR में दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनके करीबी अशोक पंडित ने बताया कि सतीश कौशिक अपने दोस्तों के साथ होली मनाने दिल्ली आए थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना ने झकझोर दिया है और अभिनेत्री कंगना रनौत, अजय देवगन, ऋचा चड्ढा, रितेश देशमुख सहित अन्य कलाकारों ने ट्वीट कर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी है। सतीश कौशिक को अंतिम श्रद्धांजलि देने अभिनेता अभिषेक बच्चन भी पहुंचे, साथ ही उनके साथ अनुपम खेर और सिकंदर खेर भी यहाँ पर नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रणवीर कपूर सतीश कौशिक के अंतिम दर्शन करने उनके घर पहुंचे और सतीश कौशिक के निधन पर उनके दोस्त और कई फिल्मी सह कलाकार भी मौजूद रहे। वहीं अनिल कपूर भी इस मौके पर भावुक हुए। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया है। सतीश कौशिक के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि प्रख्यात फिल्म हस्ती सतीश कौशिक के असामयिक निधन से मैं दुखी हूँ। वहीं एक रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने अपने अद्भुत निर्देशन की बदौलत सभी का दिल जीत लिया था। अभिनेता के निधन के बाद तमाम सितारे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में अनुपम खेर, जावेद अख्तर और राज बब्बर, जावेद अख्तर, अशोक पंडित आदि सितारे दिवंगत अभिनेता के घर पहुंचे हैं।